हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरों का यह खास बुलेटिन पंचनामा। दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार अब विपक्ष पर हमलावर हो गई है, पूरी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे। और अखिलेश, दिल्ली पुलिस का जो शिकंजा है वो ताहिर हुसैन पर कसता जा रहा है। फोरेंसिक विभाग की टीम उनके घर पहुंची जांच करने के लिए, पूरी खबर आपको बताएंगे। निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल सकती है, क्यों ये भी हम आपको पंचनामा में बताएंगे। और देखिए, कोरोना वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अब बीमार करना शुरू कर दिया है, ये खबर भी आपको आगे दिखाएंगे। चले शिखा, तो ये तमाम खबरें तो होंगी, पंचनामा की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली हिंसा की आग भले ही बुझ गई है, लेकिन कुछ लोगों की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही। शिव विहार में आज भी एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सलमान के पिता मोहम्मद अयूब कूड़ा बीनने का काम करते थे। दिल्ली में हिंसा का दौर थमने के बाद वो बाहर निकले, लेकिन शिव विहार में उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कह भी रहे थे कब तक ऐसे बैठा रहूंगा, थाली खाना भी तो खाना है, भूखे कब तक मरेगा, खाने पीने वाले आदमी थे। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दिल्ली हिंसा में ज्यादातर मौत गोली लगने से हुई है। अस्पतालों के मुताबिक घायलों में से 30% गोली के शिकार हुए हैं। इस बीच हिंसा में मारे गए कई लोगों के परिजन अभी भी शव पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में दंगों के 4 दिन बाद छानबीन के दौरान हिंसा फैलाने के खौफनाक हथियार मिल रहे हैं। दिल्ली के शिव विहार इलाके में एक बड़े साइज का गुलेल मिला है, जिसे सामान ढोने वाले ठेले पर लगाया गया था। इस गुलेल को लोहे की मदद से बनाया गया है। साफ है कि यहां हिंसा फैलाने की तैयारी काफी पहले से की गई थी। दरअसल एक बड़ी गुलेल है और इस गुलेल में ऐसे बॉटल को अगर लगाया जाए और इसको खींचा जाए तो ये काफी दूर तक जाएगी, और दंगाइयों ने इस गुलेल का इस्तेमाल किया दंगा फैलाने के लिए। ऐसा ही गुलेल घरों और छतों पर भी मिला है। ऐसे ही गुलेलों की मदद से पेट्रोल बम और पत्थर दूर तक फेंके गए। शिव विहार की राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर भी हिंसा के हथियार मिले हैं। इस छत पर भी गुलेल लगाई गई थी। यहां से पेट्रोल बम, पत्थर, माचिस भी मिले हैं। इस स्कूल के आसपास मौजूद कई इमारतों पर गुलेल लगाने के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मामला शांत होने के बाद अब एमसीडी दिल्ली की गलियों में सफाई अभियान चला रही है। सड़कों से पत्थर हटाए जा रहे हैं। अगली अहम खबर विदेश की राजधानी दिल्ली से ही जुड़ी है। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव को अब दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विवादों में रहने वाले दिल्ली के मौजूदा कमिश्नर अमूल्य पटनायक शनिवार को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद एसएन श्रीवास्तव दिल्ली की कमान संभालेंगे। उन्हें 4 दिन पहले ही दिल्ली के हालात को देखते हुए वरिष्ठ विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था के पद पर तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस में एसएन श्रीवास्तव की छवि एक तेज तर्रार और सख्त अफसर के तौर पर जानी जाती है। स्थानीय अपराधियों पर कार्रवाई करनी हो या फिर आतंकवादी गुटों पर या फिर करने हो सीमा पर ऑपरेशन, श्रीवास्तव को हर काम में महारत हासिल है। वो अपनी फोर्स से जितना प्यार करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी नहीं हिचकते। पिछले 4 दिन की तैनाती के दौरान श्रीवास्तव दंगाग्रस्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही जमे हुए हैं और उन्होंने अपनी तैनाती के 1 घंटे के भीतर मौजपुर जाफराबाद रोड को खाली करा दिया था। पंचनामा में अगली खबर भी दिल्ली पुलिस से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक विभाग की टीम आज चांदबाग में पार्षद ताहिर हुसैन के घर पहुंची और हिंसा के सबूत जुटाए। चांदबाग के पार्षद ताहिर हुसैन के इसी घर में हिंसा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें छत से लोग ईंट, पत्थर और बोतलों से हमला करते दिखे थे। केस दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने चांदबाग में हिंसा की साजिश और उसमें ताहिर हुसैन की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस तरीके से घटना हुई, पूरी जगह, वारदात की जो जगह हुए है, आरोपों के मुताबिक उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की भी तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस की कमान संभालने के बाद कमिश्नर ने कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हर कोई जो कल्प्रिट रहा है और किसी ने इस राइट्स में भाग लिया है, उसको हम कानूनी सजा दिलवाएं। और देखिए, एक तरफ तो ताहिर हुसैन के खिलाफ सबूत जुटाए गए, तो वहीं ताहिर हुसैन के बहाने दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है।
दिल्ली के चांदबाग इलाके में जो हिंसा हुई उसके केंद्र में पार्षद ताहिर हुसैन है, जिस पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी जांच की बात कहकर ताहिर हुसैन का बचाव कर रही है, साथ ही कपिल मिश्रा पर भी सवाल उठा रही है। इसके बारे में हाई कोर्ट के जज ने कहा कि डीसीपी बगल में खड़ा होकर क्या कर रहा था, क्यों नहीं उसके खिलाफ कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर ताहिर हुसैन से कपिल मिश्रा की तुलना किए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। देखिए आप एक बात समझिए, उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उनके ऊपर किसी की हत्या करने का आरोप है, उसके लिए उकसाने का आरोप है, वो भी कौन से, तो एक IB के ऑफिसर के बारे में, और उनके घर पर क्या क्या मिला है ये आप देख रही हैं, आपको दिखा रही हैं, तो कृपया करके कौन सी तुलना कर रही है आप। रविशंकर प्रसाद को आप अभी सुन रहे थे। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस के हमले का रविशंकर प्रसाद ही जवाब दे रहे हैं। राजधम के आईने में अपना चेहरा देखे कांग्रेस पार्टी, हमें ना बताया गया। राजधर्म का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर शाहीन बाग में प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाले बयानों पर सोनिया गांधी चुप क्यों रहीं? और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, दिल्ली हिंसा को लेकर कल कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिला था और अनुरोध किया था कि वो केंद्र सरकार से राजधर्म का पालन कराने के लिए कदम उठाएं। और एक और जहां विपक्ष गृह मंत्री को घेर रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में नागरिकता कानून के समर्थन में हुई रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे, CA के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है, वो हमारे भाई है, हमारे बहन है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मौजपुर पहुंचे उपराज्यपाल के सामने लोगों ने अपना दर्द बयान किया और कहा कि हिंसा ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उपराज्यपाल ने लोगों को सुरक्षा और मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही कहा कि वो जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। इससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यूपी के बुलंदशहर में भी दिल्ली जैसी हिंसा की साजिश रची जा रही थी? ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, देखिए। मोबाइल फोन में ड्रोन कैमरों से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। घरों की छत पर ईंट पत्थरों का ढेर साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें बुलंदशहर के ऊपरकोट इलाके की हैं, जहां के 3 मकानों पर ईंटों का ढेर जमा किया गया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि यहां पर भी दिल्ली की तरह ही हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्थानीय सभासद की मदद से छतों से ईंटें हटवाई और अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। और देखिए, दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में हिंसा को लेकर शिवसेना और अकाली दल ने गृह मंत्री पर हमला बोला है। दिल्ली में हिंसा को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे देश की राजधानी को दंगाई जलाते रहे और 4 दिन तक उन पर काबू नहीं पाया जा सका। अब पुलिस की इस नाकामी को लेकर शिवसेना ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 4th दिन अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर लोगों से चर्चा करते दिखे। इससे क्या होगा, सवाल ये है कि इस दौर में हमारे गृह मंत्री के दर्शन क्यों नहीं हुए। वहीं बीजेपी के सहयोगी अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने इसकी तुलना 84 के दंगों से की और आरोप लगाया कि फरियाद के बावजूद उन्हें पुलिस की ओर से सुरक्षा नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। CAA और NPR पर आमने सामने आने के बाद अब उद्धव सरकार ने कांग्रेस NCP से सुलह के लिए बड़ा कदम उठाया है। उद्धव कैबिनेट ने मुसलमानों को सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में 5% आरक्षण को मंजूरी दे दी।
हमने ऐलान किया है कि जो शिक्षण संस्था का आरक्षण जिसे हाईकोर्ट ने मान्यता दी है उसे जल्द से जल्द कानून बना के लागू करेंगे और नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो सवाल है उसको लेकर कानूनी सलाह मशवरा करके आने वाले दिनों में कानून बनाएंगे। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उस समय की कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुसलमानों के लिए 5% के आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन फडणवीस सरकार आने के बाद ये बात अटक गई थी। और वो खबर जिससे हर कोई गुस्से में है, निर्भया केस के दोषियों की फांसी की सजा एक बार फिर से टल सकती है। निर्भया केस के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, जिसमें उसने कोर्ट से मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है। निर्भया केस के चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जानी है। उससे पहले पवन की क्यूरेटिव पिटीशन से दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल सकती है। पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर शीर्ष अदालत सोमवार को सुनवाई कर सकता है। पंचनामा में अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यापारी की नाबालिग लड़की के अपहरण से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जगाधरी इलाके के एक नामी उद्योगपति की बेटी शाम को कार से निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की की मां के मोबाइल पर बेटी के अपहरण होने का मैसेज आया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। घर वालों ने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने तलाश शुरू की और देर रात बेटी की कार हुड्डा सेक्टर 18 से बरामद की। पूरी रात पुलिस टीम लड़की की तलाश में छापेमारी करती रही और फिर 15 घंटे बाद लड़की को करनाल के एक घर से बचा लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।